रिलेटेड कंटेंट हो। तो अगर हम बात करें अपने मीडिया की, अपने न्यूज़ चैनल्स की, तो जो मेरा ओपिनियन है अपने न्यूज़ मीडिया के ऊपर वो ये है कि कोई भी न्यूज़ चैनल हर न्यूज़ का एक प्रोपेगेंडा दिखाना चाहता है। वो सिर्फ हमें एक न्यूज़ नहीं बताते, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ चैनल का मेरे ओपिनियन के हिसाब से सिर्फ इतना काम होता है कि वो किसी भी विषय के बारे में हमें एक जानकारी दें, एक इन्फॉर्मेशन दें, बाकी उसके ऊपर जो ओपिनियन है वो हमें खुद से फॉर्म करना चाहिए। लेकिन न्यूज़ चैनल जो हैं अब जैसे डिवाइड हो गए हैं एक राइट विंग या लेफ्ट विंग के लिए, वो हमेशा उस प्रोपेगेंडा के हिसाब से अपनी न्यूज़ को दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि इस तरह से वो लोगों का माइंडसेट बदलने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। और वो तो एक कॉमन इशू हो गया है कि हम जब भी न्यूज़ चैनल देखते हैं 10-5 लोग होते हैं जो आपस में बस लड़ रहे होते हैं, कोई न्यूज़ नहीं होती, कुछ नहीं होता, उस डिबेट का कोई कंक्लूजन नहीं होता। ये तो एक आम बात है जो सालों से होती आ रही है, जो कि वो भी बहुत गलत है। तो न्यूज़ चैनल को जो करना चाहिए वो ये है कि वो हमें बस एक इन्फॉर्मेशन दे, हमारा ओपिनियन फॉर्म ना करें, हमें को पुश ना करें किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए। उनका काम है बस हमें न्यूज़ देना, ओपिनियन हम खुद बनाएंगे। उनको कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, वो राइट विंग या लेफ्ट विंग नहीं होना चाहिए। जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट की तरह काम करो बस। और ये जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं जो 9 PM 8 PM इनका प्राइम टाइम होता है, उस पर ये लोग जो फालतू के डिबेट करते हैं जिस पर 10 लोग कला फाड़ के चिल्लाते हैं, उस न्यूज़ को कोई नहीं देखना चाहता। कोई यूथ, कोई बुढ़ा, कोई जवान, कोई बच्चा, कोई नहीं, किसी को नहीं पसंद है वो न्यूज़। आप आइए, आराम से बात कीजिए, न्यूज़ बताइए, ना कि लड़िए।